वायरस से सुरक्षा संबंधी उपायों में N95 मास्क को एक ज़रूरी चीज़ बताया गया है और ये कहा गया है कि नॉर्मल मास्क की अपेक्षा N95 मास्क ज़्यादा उचित तरीके से वायरस से आपकी सुरक्षा करता है। लेकिन हाल ही में केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो पत्र लिखा है वो N95 मास्क की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, केंद्र द्वारा लिखे गए पत्र में छिद्रयुक्त श्वास यंत्र यानी कि वेल्व रेस्पिरेटर्स लगे N95 मास्क को लेकर चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि इससे वायरस का फैलना नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के अपोजिट है। स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि सामने आया है कि प्राधिकृत स्वास्थ्य कर्मियों की जगह लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिनमें छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा है। उन्होंने कहा, आपके संज्ञान में लाया जाता है कि छिद्रयुक्त श्वसन यंत्र लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। इसके मद्देनज़र मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि फेस माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशक के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए इस पत्र में साफ तौर पर लिखा गया कि N95 मास्क के उपयोग की जगह फेस माउथ कवर के यूज़ को प्रायोरिटी दी जाए। वो एक सवाल भी खड़ा होता है कि इतने दिनों से जहाँ N95 को सुरक्षित बताया जा रहा था वो क्या एक जुमला था और अब ये मास्क सुरक्षित नहीं रह गया है क्या? सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।